राजस्थान के अंदर प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से की जा रही है और इसके अंतर्गत सभी की समस्याओं को सुना जाएगा और उसके साथ साथ उसका समाधान भी किया जाएगा। राजस्थान सरकार का प्रशासन गांव के संग अभियान आम जन की समस्याओं का मौके पर समाधान। 2 अक्टूबर से राज्य में प्रशासन गांव के संग अभियान एक ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसमें आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से कुछ संगठनों ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया। वहीं शीघ्र हाल करने के इसके बाद भी कही है। वहीं ऊर्जा विभाग के अधिकारी त्यागी ने बताया कि इस संबंध में सूची बना ली गई है जिनका निस्तारण शीघ्र ही कर दिया जाएगा। किसमें बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर की समस्या, तारों का झूलना और नए विद्युत कनेक्शन की समस्याओं को तुरंत मौके पर ही निदान कर दिया जाएगा। आपका मामला था? मामला हमारा आज का यही था कि हमारे यूनियन के समस्त पदाधिकारी 10-15 दिन पहले हमारे सम्मानीय अधीक्षण अभियंता श्रीमान त्यागी साहब के पास उपस्थित हुए थे। उस उपस्थिति में माननीय एसी साहब ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया था और करने के बाद में इन्होंने एक लेटर को हमारे जो मुख्य कार्मिक अधिकारी हैं श्रीमान राकेश शर्मा जी उनको लेटर लिख करके और उस आदमी का स्थानांतरण के लिए दे दिया था और माननीय अधीक्षण अभियंता के निर्देशानुसार उस कर्मचारी का स्थानांतरण हो भी गया था। लेकिन हमारे माननीय अधीक्षण अभियंता जी के नोटिस में ये बात नहीं थी कि उसको रिलीव नहीं किया गया है। उस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। हमने भी उनको नहीं बताया क्योंकि एमडी साहब के ऑर्डर के अनुसार 28 तारीख को हर कर्मचारी जिसका भी स्थानांतरण हुआ है उसको रिलीव कर देंगे और 29 को वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन उस कर्मचारी का जिसका हमने स्थानांतरण करवाया था उसको श्रीमान कार्मिक अधिकारी ललित मोहन जी शर्मा ने ना ही तो उनको रिलीव किया और ना ही भेजा गया। जैसा ही हमने आज पदाधिकारियों ने माननीय अधीक्षण अभियंता को इस बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से MLA, MPs और इनके सबके डिजायर्स होती हैं जी, और उनमें हम ये देखते हैं अमूमन उसके अलावा जब 10 सिफारिशें कोई MLA और MPs की आ गई तो 20 सिफारिशें कार्मिक अधिकारी अपने ही मन से कर्मचारियों के ट्रांसफ़र कर देना या उनको कैंसिल कर देना ये उनका एक धंधा है। दिस इज द एलिगेशन, ये उनका एक धंधा है। दूसरी बात मैं मुख्य एक कहना चाहूँगा कि 3 साल से कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हुए, केवल अकेला राकेश शर्मा CPO जिनकी गलती के कारण ये प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। इंजीनियरिंग सुपरवाइजर लोग नहीं बन रहे हैं, हेल्पर से हेल्पर फर्स्ट नहीं बन पा रहा है, ये 3 साल हो गए। सर इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि राज्य सरकार ने 2018 में जो राकेश शर्मा जी ने टेक्निकल वर्कमैन रेगुलेशन 1975 में अमेंडमेंट कर दिए थे उन अमेंडमेंट के चलते हुए और राज्य सरकार को बधाई नहीं उसके चलते हुए इन्होंने कुछ प्रमोशन किए। राज्य सरकार के पास फाइल गई, वापस लिख के आया कि आपने ये TWSR में बगैर हमारे पूछे कैसे आपने अमेंडमेंट कर दिए हैं और इन अमेंडमेंट्स को आप वापस लीजिए। तो पिछले 3 साल से राकेश शर्मा जी उस फाइल को घुमाते जा रहे हैं, सारे MD और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिसगाइड कर रहे हैं और उसके कारण उस अमेंडमेंट के कारण राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रही है उसमें आम जन से जुड़े विभिन्न विभाग उसमें रहेंगे जो कि समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। जयपुर विद्युत वितरण निगम भी हर समस्या समाधान शिविर में अपने प्रतिनिधि हमारे AGN हमारे ARO वहाँ पर रहेंगे और जो हमें निर्देश हुए हैं कि करीब 10-11 तारीख की जो समस्याएँ हैं जो चिन्हित की गई हैं उनका उन कैंपों में ही निस्तारण किया गया जिसमें कि विद्युत सप्लाई का व्यवधान की समस्या कहीं ज़्यादा ग्रिडिंग आ रही है कोई इस तरीके की बात आ रही है उसकी और उसके अलावा त्रुटिपूर्ण जो बिल आ जाते हैं उनका सुधार कोई ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है कहीं तार ढीले हैं इन समस्या विद्युत कनेक्शन में कोई विलम्ब हो रहा है ये समस्या इनका मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने
जो ये विजिलेंस के केसेस थे उसमें एक 30 दिन की समाप्ति होती है कि उसमें 30 दिन के अंदर वो जो कमेटी बनी हुई होती है उसके अंदर अपना केस रख सकते हैं और दोबारा सुनवाई के लिए कह सकते हैं। तो जिनकी अवधि खत्म हो चुकी है उसके लिए भी सरकार ने निर्णय लिया है, हमारे मैनेजमेंट ने उसी हिसाब से एक आदेश निकाला है कि कैंप के दौरान भी जितने भी पहले जो विजिलेंस चेकिंग आ चुकी हैं उनको दोबारा सुन लिया जाए, अगर उनका 30 दिन से ज़्यादा का समय निकल भी चुका है तो उनको दोबारा कंसीडर कर लिया जाए। तो जब तक ये कैंप चलेंगे पुराने केसेस को भी दोबारा सुना जा सकता है जिनका समय निकल गया, लेकिन जो केस पहले से डिसाइड हो चुके हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन जिनकी समाप्ति निकल चुकी लोग आ नहीं सके कोरोना की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से तो उनका कैंप में निपटा लग गया। इसके अलावा जो कनेक्शन कटे हुए हैं डोमेस्टिक के लिए एग्रीकल्चर के लिए तो 31 मार्च तक उन पर डोमेस्टिक कनेक्शन पर 50% की जो LPS की माफ़ी है तो वो छूट दी जा सकती है चालू कनेक्शन की भी और कटे हुए कनेक्शन की, और एग्रीकल्चर कनेक्शन के 100% LPS में माफ़ी होगी। तो इससे आम उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिलेगी, कोरोना काल में जो आर्थिक रूप से लोग परेशान थे उनको सरकार ने इसके माध्यम से राहत देंगे और बेहतर सर्विसेज का एक माहौल बनेगा और हम उपभोक्ताओं की भी जो परेशानियां हैं उनको समझेंगे और मौके पर निस्तार करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।